आइलैंड अर्थात द्वीप या चारों ओर जल से घिरा टापू। प्रकृति के अद्भुत नज़ारे देखने के लिए अक्सर लोग यहाँ छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं। विश्व में छोटे बड़े कुल मिलाकर लगभग 2 लाख से अधिक आइलैंड हैं। भारत में ही लगभग 1000 से अधिक आइलैंड हैं। बड़े द्वीपों में ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्निया, मेडागास्कर, बाफिन, बहामास, सोलोमन, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कनाडा, फिनलैंड, यूके, मॉरिशस, मालदीव आदि द्वीपीय देशों के नाम तो आपने सुने ही होंगे। यहाँ हजारों छोटे बड़े द्वीप हैं, परंतु हम आपको बताएंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक द्वीपों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर हम बात करेंगे शबा आइलैंड नीदरलैंड्स के बारे में। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नीदरलैंड के शबा नामक आइलैंड पर दुनिया में सबसे ज़्यादा समुद्री तूफान आते हैं। इस तूफान की वजह से आइलैंड के आसपास कई जहाज डूबकर टूट गए हैं। यदि आप तूफानों का मजा लेना चाहते हैं और खतरा उठाने के लिए तैयार हैं तो महज 13 वर्ग किलोमीटर में फैले इस सुंदर से टापू पर जा सकते हैं। फिलहाल इस आइलैंड पर 2000 के करीब लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे लुजोन आइलैंड फिलीपींस के बारे में। इस आइलैंड को खतरनाक और सक्रिय ज्वालामुखी ताल वॉल्केनो के कारण जाना जाता है। इसके क्रेटर में एक ज्वालामुखी झील है जो ताल झील कहलाती है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन पर्यटकों को पहले से ही यह चेतावनी भी दे दी जाती है कि कब ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए कोई नहीं जानता। हाल ही में ऐसा हुआ भी था, जिसके बाद आसपास के इलाकों को आनन फानन में खाली करा लिया गया था। तीसरे नंबर पर बात करेंगे रामरी आइलैंड म्यांमार के बारे में। यदि आप असंख्य मगरमच्छ देखना चाहते हैं तो वर्मा के रामरी आइलैंड पहुंच जाएं, जिसे मगरमच्छों का आइलैंड भी कहते हैं। यहां खारे पानी की कई झीलें हैं जो खतरनाक मगरमच्छों से भरी पड़ी हैं। इस आइलैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि इस द्वीप पर रहने वाले खतरनाक मगरमच्छों ने सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया है। चौथे नंबर पर बात करेंगे हम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत। अंडमान द्वीप समूह में स्थित नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। यहाँ घूमना और प्रकृति के नज़ारों के साथ ही जंगली पशु और पक्षियों को देखना बहुत ही रोमांचकारी है। परंतु यहाँ का सबसे बड़ा खतरा है कि यहाँ की जनजातियाँ जो इस द्वीप पर किसी भी बाहरी को आने नहीं देती हैं और जान से मार देती हैं। पाँचवें नंबर पर बात करेंगे हम इल्हा दा क्विमाडा आइलैंड ब्राज़ील के बारे में। इसको स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात सांपों का द्वीप। ब्राज़ील का यह द्वीप हजारों गोल्डन लास हैंड वाइपर्स का घर भी है। यह दुनिया की सबसे जहरीली प्रजाति का खतरनाक सांप होता है। इसके फुफकारने से ही इंसान का मांस गलने लगता है। यहाँ जिसने भी जाने की कोशिश की वह जिंदा लौटकर नहीं आया है। ब्राज़ील की नौसेना ने यहाँ जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि कई लोग यहाँ अपनी रिस्क पर घूम फिरकर आ जाते हैं। छठवें नंबर पर हम बात करेंगे डेंजर आइलैंड मालदीव के बारे में। मालदीव के दक्षिण में 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डेंजर आइलैंड अपने डरावने नाम के चलते इस लिस्ट में शामिल है। यह नाम इसके शुरुआती खोजकर्ताओं ने इसे दिया है। इस द्वीप के बीच सुरक्षित लंगर की कमी होने के चलते यह द्वीप खतरनाक माना जाता है। हालांकि यहाँ के नज़ारे बेहद ही खूबसूरत हैं। यहाँ घूमने का रोमांच ही कुछ और ही है। सातवें नंबर पर हम बात करेंगे आइशोल ला गेओला आइलैंड इटली के बारे में। नेपल्स की खाड़ी में स्थित इस छोटे से लेकिन सुंदर आइलैंड की कहानी बेहद ही भयानक है। कहते हैं कि इसे खरीदने वाले की या तो मौत हो जाती है या फिर उनके और उनके परिवार के साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। इस द्वीप को खरीदने वाले कई मालिकों की यहाँ मौत हो चुकी है। अब यह आइलैंड सरकार के अधीन है और कई सालों से वीरान पड़ा है। हालांकि यहाँ अपनी रिस्क पर ही लिए आते हैं, वो भी रात होने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। आठवें नंबर पर बात करेंगे हम सेबल आइलैंड अटलांटिक महासागर के बारे में। यह द्वीप को सेबल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। 42 किलोमीटर लंबे और 1.5 किलोमीटर चौड़े इस आइलैंड को रेत का आइलैंड या दरिया का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ 300 से भी अधिक जहाज दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब चुके हैं।
इसके पीछे वजह यह है कि दूर से यह आइलैंड समुद्र के पानी की तरह ही दिखता है। इससे अधिकतर जहाज धोखा खा जाते हैं और रफ्तार अधिक होने के कारण इससे टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। हालांकि यहां पर हेलीकॉप्टर से जाना ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है। नौवें नंबर पर बात करेंगे मियां के जीमा आइलैंड जापान के बारे में। जापान के इजू द्वीपों में स्थित मियां के जीमा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट ओयामा के कारण प्रसिद्ध है, जो कई बार फूट चुका है। 2005 में भयानक विस्फोट हुआ था, जिसके चलते जहरीली गैसों का रिसाव हो रहा है, जिससे निवासियों को यहाँ जाने पर हर समय गैस मास्क ले जाने की आवश्यकता होती है। रोमांच के शौकीन लोग यहाँ भी घूमने जाते हैं। आखिरी और दसवें नंबर पर बात करेंगे रियूनियन आइलैंड हिंद महासागर के बारे में। यह फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, परंतु भारी संख्या में शार्क की मौजूदगी के चलते यह बहुत ही खतरनाक है। यहाँ घूमना आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोमांच साबित हो सकता है, क्योंकि इस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी, हरे भरे जंगल, बहते झरने और हैरत में डालने वाले प्रकृति के दूसरे चमत्कार भी उपस्थित हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फ्रेश क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।